अब तो मानना ही पड़ेगा दोस्तों कि मेरे अपडेट सही होते हैं। अभी आपको एक 10 दिन पहले या फिर 20 दिन पहले एक वीडियो बना के दिया था मैंने कि गोलमाल 5 बहुत ही जल्द ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी, देख लेना। और 2026 का प्लान है इनका दिवाली का, मुझे लगता नहीं है 2026 दिवाली का प्लान होगा। ये रामायण के साथ क्लैश नहीं करेंगे डेफिनेटली, लगता नहीं है मुझे, पहले था इनका प्लान लेकिन ओके। बट अब यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है कि रोहित शेट्टी सारी टीम के साथ गोलमाल 5 बनाने वाले हैं और फरवरी में, सॉरी 2025 में, पहले एक अपडेट थी फरवरी की, फरवरी नहीं है 2025 में इसका शूटिंग शुरू होने वाला है कंफर्म। और ये भी अपडेट मैंने दी थी आपको कि गोलमाल ही पहल, बहुत से लोगों ने फिर डाउट किया था भाई फिर कॉप यूनिवर्स की कैसे नहीं आएगी फिल्म, ऐसा कैसे बोल सकते हो। मैंने पहले भी बोला है मोस्ट ऑफ द टाइम रोहित शेट्टी का एक क्राइटेरिया एक कॉप यूनिवर्स की फिल्म लाओ या फिर एक एक्शन फिल्म लाओ, एक कॉमेडी लाओ, वापस एक्शन लाओ, वापस कॉमेडी लाओ, एक उसका मोस्टली ऐसा होता है, एक फॉर्मेट है उसका। तो वो चेंजेस और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई देर इज़ हाई चांस कि शर्मन जोशी वापस आ चुके हैं, कंफर्मेशन नहीं आया है लेकिन बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आया है क्या, नॉट कन्फर्म येट बट देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप कह सकते हो कि उनकी वापसी भी तय है। बाकी अजय देवगन, अरशद वारसी, श्रेयस तलपदे वो कन्फर्म है, कुणाल खेमू, तुषार कपूर ये तो है ही उसमें। और यहाँ पे ये कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है कि एक्ट्रेसेस चेंज हुई है, क्योंकि भाई करीना 2 फिल्में थी, पार्ट 2 पार्ट 3 थी मेरे अकॉर्डिंग, और पार्ट 1 में तो नहीं थी, पार्ट 4 में परिणीति थी। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा, बट मैंने सुना है कि न्यू एक्ट्रेसेस होंगी, फ्रेश फेसेस, मतलब तीनों भी 2-3 जो एक्ट्रेसेस है इस फिल्म में पूरे नए होंगे। एंड या एक्साइटमेंट अच्छी है भाई गोलमाल 5 को लेके, है नो डाउट एट ऑल। 250 करोड़ बजट था सिंघम अगेन का, इट विल बी अ सक्सेसफुल, वो भी दिख रहा है, सक्सेस पार्टी भी अगले वीक में या उसके अगले वीक में होने वाली है सुना है। एंड आई थिंक अजय देवगन, रोहित शेट्टी ने तो पार्टी भी मना लिए, बट एक्चुअली जो सक्सेस पार्टी ऑफिशियल पूरे टीम के साथ वो सुना है अगले वीक में मनाएंगे, क्योंकि फिल्म वॉज सक्सेसफुल, इन फैक्ट इट इज़ अ सक्सेसफुल, आज भी अच्छा कलेक्शन आ रहा है। एंड गोलमाल 5 ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। सिंघम अगेन का सक्सेस इतना तगड़ा हुआ है इसीलिए तो भाई इतने जल्दी इन लोगों ने आपस में काम किया, वरना थोड़ी ना करते। तो ऐसे हेटर्स से बचो भाई जो लोग आपको झूठ मूठ के बजट बता रहे फिल्मों के। जय हिंद।